गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे आपके कुछ बाकी के क्वेश्चंस आंसर के बारे में। कल हमने किए थे आपके 3 क्वेश्चंस के बारे में, आज हम करेंगे जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है उनके बारे में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 4th क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4th क्या है आपका, डिस्क्राइब अबाउट डिजिटल कंप्यूटर। देखिए क्या बोल रहा है ये, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बताइए। ठीक है, मैंने आपको बताया था डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं जो बाइनरी फॉर्म में काम करें। ठीक है, जो डिजिटल वे में काम करें। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में मतलब 0 और 1 की फॉर्म में काम करते हैं। ओके, वो क्या होते हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर। तो देखिए अब हम कर रहे हैं, ए डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स इन डिजिटल डेटा सच एज नंबर। देखिए डिजिटल कंप्यूटर क्या किसमें काम करता है आपका, डिजिटल डेटा में काम करता है, यानी नंबर्स के अंदर 0 और 1 जो मैंने बताया बाइनरी फॉर्म में क्या काम करता है, 0 और 1 की फॉर्म में। 0 और 1 क्या है आपका, नंबर है। ठीक है, तो किस में काम करेगा आपके, नंबर की फॉर्म में। ठीक है, देखिए इट वर्क्स इन बाइनरी फॉर्म कौन सी होती है, दैट इज 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 बाइनरी फॉर्म क्या होती है आपकी, या तो 0 होती है और 1 में। कोई भी कंप्यूटर है आपका वर्क करेगा 0 की फॉर्म में या फिर 1 की फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारा, इट इज यूज फॉर कैलकुलेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। क्या कह रहा है, किस लिए यूज होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन में क्या क्या आता है आपका, एडिशन जमा करना, सब्ट्रैक्शन
घटा करना, डिवीजन भाग करना और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा करना। ठीक है, ये सब होते हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर के काम होते हैं। नोट करो आप इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका? क्या कह रहा है ये? डिस्क्राइब अबाउट हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में बताइए कि क्या होता है, कैसे क्या यूज होता है इसका। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, कुछ दिन पहले भी कराया था, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। जो कंप्यूटर किन्हीं का मतलब एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि वो आपका एनालॉग कंप्यूटर का भी काम करे और डिजिटल कंप्यूटर का भी काम करे, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, देखिए इसका आंसर देखिए। हाइब्रिड कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब किन्हीं दो चीजों को मिलकर एक बनाना। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। देखिए क्या कह रहा है ये? हाइब्रिड कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। मैंने बताया आपको, जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को जोड़कर एक कंप्यूटर बनाया गया, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर दे कन्वर्ट डेटा एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। देखिए क्या करता है ये? एनालॉग डेटा को
डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है और डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर और उसके क्या क्या काम है। ठीक है, तो आप नोट कीजिए इसको। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 5। ठीक है, हो गया सभी का। देखिए, आज अब हम बात करेंगे आपके कुछ वर्ड्स के बारे में, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे, कुछ वर्ड्स हैं उनको पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कौन कौन से वर्ड हैं, उनको हम पूरा करेंगे। कंप्लीट दीज वर्ड, देखिए पहला है हमारा C-M-U-R। इसकी इसके बीच में क्या क्या आएगा आपको वो भरना है। ठीक है, दूसरा है हमारा D-V-E। अब इसके बीच में क्या आएगा आपको वो भरना है। नंबर थर्ड है हमारा C-L-U-L-T-O-N। इसके बीच में देखिए क्या आएगा इसके बीच में क्या आएगा अब वो देखिए। इसके ये किसकी स्पेलिंग है वो देखिए, देखेंगे हम सी, यहां क्या आएगा ओ, ये क्या है हमारा एम, यहां पर पी, ये है क्या है हमारा यू, यहां और यहां क्या हो गया हमारा क्या बन गया हमारा कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा देखिए हमारा डी सेम है, अब क्या आएगा E, क्या आएगा इसकी जगह ई, वी हमारा एजिटिव रहेगा, आई देखिए इसकी जगह क्या आएगा हमारा ई, इसकी जगह क्या आएगा आई और सी, क्या हो गया हमारा डिवाइस। अब ये देखिए इसका मतलब क्या होता है सी ए
क्या हो गया? CULAPION क्या हो गया हमारा? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा MINICOMPUTER। देखिए देखिए M के बाद में क्या आएगा? I, N के बाद I, क्या हो गया हमारा? मिनी। C के बाद में O M, P U के बाद में T E R, यानी मिनी कंप्यूटर, ठीक है। नोट कीजिए इसको।